नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी निषाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवजी निषाद। दोस्तों, हम आज यहाँ आए हैं नए मकान पे जहाँ हमने लाइट फिटिंग का काम किया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम अंडरग्राउंड वायरिंग की फिटिंग आपको दिखाएंगे। बोर्ड दिया हुआ है दोस्तों, इसमें एक हमने एनसीबी की है, आटो का टेंसी है, एक रेगुलेटर है और दोस्तों यहाँ पे दो सॉकेट दिया हुआ है और आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर दिखाओ, यहाँ पे कैंसेल लाइट लगी हुई है। इसमें दोस्तों 3 से 8 पेंसिल लाइट है, एक फैन दिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक सीएफएल दिया हुआ है और दोस्तों इधर भी एक सीएफएल है। तो दोस्तों यहाँ ट्यूबलाइट हम जब चाहे लगा सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे एक 12 मॉडलर का बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ भी ऑटो कट एनसी भी है। ऑटो कट कहिए दोस्तों, कहीं छोटा मोटा ऐसा फॉल्ट होता है तो ऑटो कट हो जाता है, गिर जाती है एनसी भी। और ये कमरे वाइज लगी हुई है दोस्तों, इस कमरे में अगर कोई फॉल्ट हो रहा है तो इसी कमरे की लाइट जाएगी। अक्सर ये होता है कि जब मेन जगह पे एनसीबी लगी होती है तो वहां से अगर दिख गई पूरे घर की लाइट चली जाती है। दोस्तों ये कमरे वाइज अगर एनसीबी लगा देते हैं तो इससे हमको ये फायदा होता है कि जहां कुछ अगर फॉल्ट हुआ तो उसी कमरे का लाइट जाएगा। 18 मॉडलर का बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी दोस्तों दो फैन दिए हुए हैं, एक ऑटोकट एनसीबी की हुई है, दो सॉकेट है दोस्तों और यहाँ भी ऊपर देखिए कैंसिल लाइट पड़ी हुई है, इसमें दोस्तों 9 कैंसिल लाइट है और वहां पे एक सीएफएल पॉइंट दिया हुआ है, एक ये साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक सीएफएल का पॉइंट है दोस्तों, यहाँ भी एक 12 मॉडलर का बोर्ड है और ऑटो कट एक एनसीबी लगी हुई है, एक सॉकेट दिया हुआ है। दोस्तों ये जो बोर्ड है, यहाँ से जो बाहर छज्जे में लाइटें पड़ी हुई है कैंसिल लाइट, तो यहाँ से उनका कनेक्शन दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हमने जैसे कि कोई भी मोबाइल में चार्ज करने के लिए अलमारी में यहाँ पे रख देना है तो हमने 6 मॉडलर का बोर्ड दिया हुआ है, 18 मॉडलर का बोर्ड दिया हुआ है, इसमें से यहाँ पे कैंसिल लाइट है ऊपर दिखाई, यहाँ 6 कैंसिल लाइट है, छज्जी की भी लाइट है इसी में दोस्तों, यहाँ एक सीएफएल दिया हुआ है, यहाँ भी एक सीएफएल का पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ भी एक ऑटो कट का एनसीबी है, एक रेगुलेटर है, दो सॉकेट दी हुई है और दोस्तों इसमें जो वायर हमने डाला है, जब अगला कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें वायर की क्वालिटी बताएंगे कौन सा वायर डालना चाहिए। तो यहाँ हमने 2.5, 1.5 और 1 का यूज किया हुआ है वायरिंग में दोस्तों, ये साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ भी हमने एक 18 मॉडल का बोर्ड दिया हुआ है दोस्तों, इसमें भी हमने 2 सॉकेट, 1 एमसीबी दी हुई है, 2 रेगुलेटर है, 2-3 फैन है इसमें दोस्तों, 1 कुछ बोर्ड में है और यहाँ एक मोटर और वॉशिंग मशीन के हिसाब से यहाँ 6 मोटर का बोर्ड दिया हुआ है, जिसमें से एक में मोटर लगा सकते हैं, दूसरे में वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों और यहाँ पे भी हमने 18 मोटर का बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ भी हमने 2 सॉकेट, 1 एमसीबी दी हुई ऑटो कट, 1 फैन है दोस्तों। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 8 जो है कैंसिल लाइट पड़ी हुई है और 3 फैन है। और दोस्तों यहाँ पे कोई चीज हमें लगानी है, कूलर है या और से कोई उस तरह की पावर बोर्ड दिया हुआ है मॉडल 3 का, उसको कैमरे कमरे के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पूरी तरह से फिनिशिंग कर दिया है, इसके अंदर का आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ भी हमने कमरे में 18 मॉडल का बोर्ड दिया हुआ है, एक प्रेस करने के लिए यहाँ पे पावर बोर्ड दे दिया हुआ है, यहाँ भी दोस्तों एक एनसीबी है, आपके पास रेगुलेटर है, 2 सॉकेट दिए हुए हैं और ऊपर कैंसिल लाइट दी हुई है, 4 लाइट दी हुई है ऊपर, एक फैन है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे में टीवी है या कोई उस तरह की चीज लगा ली है, मोबाइल रख देना है आप आएंगे तो यहाँ पे 6 मॉडल का बोर्ड हमने दिया है जिसमें 2 सॉकेट दिया हुआ है दोस्तों। दूसरे कमरे में भी इसी तरह है, सेम फिटिंग। यहाँ पे अंडरग्राउंड देखा और दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमने ऑलरेडी फिनिशिंग कर दी हुई है। तो अगले वीडियो में जब प्रैक्टिकल वायरिंग या बोर्ड बिठाने का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों शेयर करें ताकि मेरे हर एक वीडियो के जरिए आपको हर एक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। लाइट आ चुकी है, अभी तक जो हमने वीडियो दिखाया आपको उस लाइट नहीं थी, अब लाइट आ गई है दोस्तों, तो हम आपको हर एक लाइट चालू करके जला के दिखाएंगे दोस्तों, कौन से जगह पे कौन से कलर का क्या लाइट है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फुल व्हाइट लगा हुआ है लाइट और यहाँ पे ब्लू कलर का दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये ग्रीन है और पिंक कलर का दिया हुआ है दोस्तों, व्हाइट है, ब्लू है और दोस्तों ग्रीन है, इसके बाद पिंक है, सीएफएल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब ये पूरी तरह से पुट्टी हो जाएगा, प्लास्टिक पेंट वगैरह हो जाएगा, तब इसका जो दिखने का लुक है दोस्तों वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे हर एक बोर्ड में आप देख सकते हैं जो ये ब्लू कलर की लाइट जल रही है, इंडिकेटर है,
दोस्तों जब लाइट रहेगी इससे पता चल जाएगा कि लाइट आ गई है। दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एक सीएफएल है, यहाँ पे कैंसिल लाइट दिया हुआ है रेड कलर का है दोस्तों, उधर फूल व्हाइट है और ग्रीन है, फिर व्हाइट है दोस्तों, रेड कलर है, व्हाइट है, यहाँ पे आसमानी ब्लू है दोस्तों, और यहाँ पे कोने में भी व्हाइट है दोस्तों, और ये बीच में सेंटर पे दिया है, दो फैन है यहाँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कैंसिल लाइट है जो ये 6 से 7 वाट की आती है दोस्तों, वहाँ पे सीएफएल है और इधर भी एक सीएफएल दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैल्शियम है टोटल जल रही है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं यहाँ पे लाइट। जब ये कलर हो जाएगा दोस्तों पूरी तरह से पुष्टि हो जाएगी तब इसका लुक कुछ अलग दिखाई देगा। आप कमरे में भी दोस्तों देख सकते हैं लाइट चालू करके, हम लाइट चालू करके आपको दिखाएंगे, यहाँ पे भी व्हाइट लाइट दी हुई है रोशनी के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों यहाँ एक ही सीएफएल है जो इन्वर्टर से दिया हुआ है। सबको वायरिंग में इन्वर्टर का भी कनेक्शन साथ साथ कंप्लीटली यहाँ पे फिनिशिंग हो चुका है।